गुड इवनिंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज 7.2 स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमें आइसोसेलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी थी। आइसोसेलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके दो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, एंड साथ ही साथ क्या होते हैं कि वो दो एंगल्स, यानी जो दो एंगल्स जुड़े हुए हैं उस एंगल्स दो साइड से, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही प्रॉपर्टी हमें यूज करके इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एंड हम वहां से क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको वैसे ही क्लियर कॉपी में करते जाना है, एंड कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, एंड एग्जाम में भी आपको वैसे ही सेम टू सेम क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एबीसीडी करके, एबीसी करके ट्रायंगल है, और एडी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि इसको टू इक्वल हाफ में क्या कर रहा है, कट कर रहे हैं। तो हम लोग सेम साइड कैसे शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं कि ये दोनों बराबर है, यानी BD इज इक्वल टू DC। तो क्या दिया गया है हमको, हमको दिया गया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यानी BD इज इक्वल टू DC, और परपेंडिकुलर है मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ईच क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी एंगल BDA इज 90 डिग्री एंड एंगल CDA इज 90 डिग्री। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि एबीसी एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, यानी एबी इज इक्वल टू एसी के बराबर है। आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होते हैं, जबकि ये दोनों एंगल साइड क्या हो, इक्वल हो। तो ये आपको प्रूफ करना है। अब ये कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहां पे देखिए, अगर कोई भी 90 डिग्री होता है तो वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस तीनों होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, एक ट्रायंगल कौन सा है, ए बी डी, एंड ट्रायंगल सी ए सी डी, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, बी डी इज इक्वल टू सी डी है, क्योंकि अभी अभी तो दिया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो दोनों इक्वल है। AD इज इक्वल टू AD दोनों में, क्योंकि कॉमन है दोनों में। अब ये बताइए, किसी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर परपेंडिकुलर सेम इक्वल है, बेस इक्वल है, तो हाइपोटेनस भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, हाइपोटेनस भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, BD इज इक्वल टू CD, क्यों, गिवन है, ठीक है। दूसरी बात, AD इज इक्वल टू AD दोनों में क्या है, कॉमन है। अगर ये दोनों बात बिल्कुल में सही है, और ये ईच 90 डिग्री है, कौन सा है, 90 डिग्री है, यानी एंगल D इज इक्वल टू एंगल D दोनों का क्या है, 90 डिग्री है। तो बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD। क्या लिख सकता हूं, बाय साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल, आप लोग ये वाला लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है, कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए सी डी, क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। और अगर कॉन्ग्रुएंस है तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्यों, बाय सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो मतलब ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, आइसोसेलस ट्रायंगल। हेंस क्या लिखोगे, हेंस ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है, याद लो, लिख लीजिएगा। तो इजी है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अब एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को नहीं करना है, वो क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब के चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट रहेगा सिर्फ आपको वही करना है, बाकी मैं आपको नहीं कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइएगा डायरेक्टली। आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, डायग्राम कुछ ऐसे बनाए, ये ए, ये बी, ये सी, ये ई और एफ। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो बी है वो एफ सी के बराबर है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है गिवन बी इज इक्वल टू एफ सी, सॉरी
BE इज इक्वल टू FC और साथ ही साथ ये अल्टीट्यूड है, तो अल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का रहता है, ये याद रखिएगा। भले अल्टीट्यूड बीच से इसको इक्वली कट करे नहीं करे वो नहीं पता, लेकिन हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो यानी एंगल F इज इक्वल टू एंगल E, जैसे ईच इज 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो आपको प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ए सी एफ, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंस है, यानी एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो कैसे है, मैंने कहा था सारा का सारा आंसर आपका यही छुपा होता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, ठीक है। अब कौन सा लगाएंगे देखते हैं, चलिए BE इज इक्वल टू सी एफ है, BE इज इक्वल टू सी एफ है, क्योंकि ये तो दिया गया है ना, गिवन है, BE इज इक्वल टू सी एफ, क्यों गिवन है। एंगल E इज इक्वल टू एंगल F है, यानी इस ट्राइंगल में अगर ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो ये ट्राइंगल को अगर मैं उठाऊं तो ये वाला पार्ट और इस ट्राइंगल का ये वाला पॉइंट 90 डिग्री, यानी एंगल इज इक्वल टू एंगल एफ, क्यों ईच 90 डिग्री। अब तीसरा लॉ हम क्या लगा सकते हैं, सोचिए जरा, एंगल नहीं एंगल्स एंगल साइड एंगल 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 साइड, मैं एक तो इसका अलग से बनाकर दिखाता हूं आपको, जैसे मैं बना रहा हूं ए सी एफ, तो ये ए है, ये एफ है, ये सी है, ये 90 डिग्री हो गया, ये इक्वल है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे ये वाला एंगल दोनों का इक्वल करना है, यानी दोनों में एंगल नहीं वेट नहीं एंगल सी इक्वल करना है मेरे को, जो एंगल साइड हाँ मुझे एंगल सी दोनों में इक्वल करना है। अब एक बात बताइएगा, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिएगा, इसमें ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है, एंगल ए और एंगल ए भी इक्वल है, क्योंकि दोनों में एंगल है तो कॉमन है ना, वही एंगल चल रहा है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये मान लो 60 डिग्री है, जस्ट सपोज 60 डिग्री है, तो ये एंगल दोनों में इक्वल है। किसी भी ट्राइंगल के अगर दोनों एंगल इक्वल है तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसमें आप लोग क्या लिख सकते हो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्यों, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। कैसे हुआ, तो देखो ये 90 ये भी 90, ठीक है, मैं मान लो दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई 180 डिग्री होता है, साथ ही साथ एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ ये भी 180 डिग्री होता है, तो जब दोनों 180 है तो दोनों बराबर होंगे। अब एंगल ई और एंगल एफ 90 डिग्री ईच है तो कट गए, एंगल ए दोनों में कॉमन है वो भी कट गया, तो एंगल बी और एंगल सी क्यों इक्वल आ गया, आ गया। तो जब मैंने इसमें तीनों को इक्वल दिया गया, तो अब एक बात बताइएगा, साइड एंगल सॉरी एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल, ठीक है, कौन सा एंगल साइड एंगल एंड एंगल साइड एंगल, तो बाय एंगल साइड एंगल बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंस, क्योंकि ये कॉन्ग्रेंस रूल था, सो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस रूल, कॉन्ग्रेंस रूल ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ए सी एफ, ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंस हो गए, ठीक है। क्या तो क्लियर है, पहले ये वाला एंगल बराबर, फिर ये वाला साइड भी बराबर, और ये वाला एंगल भी बराबर, ठीक है। तो आपको होप ये क्लियर होगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में हमसे बोल रहे हैं कि प्रूफ करके दिखाओ कि एबी और एसी भी क्या है, इक्वल है, एबी और एसी क्या है, इक्वल है। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं प्रूफ करो कि एबी और एसी भी इक्वल है। तो अभी हमने क्या प्रूफ किया, सिंस ट्राइंगल एबीई ए बी ई इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ए सी एफ, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंस, अगर कॉन्ग्रेंस है तो ये साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, बाय सी पी सी टी। देयरफॉर
AV is equal to AC cube by CP CD. तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें ये क्यों पढ़ना है. ठीक है क्लास, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. 5 में ऐसे बना हुआ है, ए बी सी डी, जहां पे ए बी और ए सी इक्वल है, बी डी और डी सी इक्वल है. तो क्या क्या दिया हुआ है, गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये इक्वल है. आपको बोल रहे हैं कि बताओ कि ये वाला एंगल, यानी एंगल टू प्रूफ एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी. ठीक है, तो ये कैसे प्रूव करना है चलिए देखते हैं. सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसके बराबर है, ए सी के बराबर है. अगर दो साइड इक्वल है तो मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये आइसोसेलस ट्राइंगल है. देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल. ठीक है, अगर ये आइसोसेलस ट्राइंगल है इसका मतलब एंगल ए बी सी, ए बी सी, तो ये मैंने बताया था जो बीच वाला रहता है, यानी जिसको ले रहे हैं वो बीच में आता है, इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये इसके बराबर होगा, ये पहला. ठीक है, अब मैं ट्राइंगल बी सी डी की बात कर रहा हूं. इन ट्राइंगल बी सी डी, इसमें भी देखो तो बी डी इज इक्वल टू सी डी है. अगर ये दो साइड इक्वल है तो मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल बाय आइसोसेलस ट्राइंगल प्रॉपर्टी. तो इसमें क्या लिख सकते हो, बी सी बी डी इज इक्वल टू सी डी. ठीक है, देयरफॉर एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, ये दूसरा इक्वेशन, ये पहला और ये दूसरा. तो मैं अगर दोनों को प्लस कर दूं तो एलएचएस एलएचएस एक साथ प्लस होंगे, ठीक है, और आरएचएस आरएचएस एक साथ प्लस होंगे, तो कैसे लिखोगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी, यानी इसका इसका सम, इसका और इसका सम. तो देखो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एंगल ए बी डी. ठीक है, यही पढ़े थे एंगल ए बी डी प्रूव करना है. तो एंगल ए बी डी कैसे, ये जो डायग्राम था, ये एंगल और ये एंगल का सम हो गया, एक ही एंगल बन गया, कौन सा एंगल बन गया, एंगल ए बी डी, और ये एंगल और ये एंगल का सम हो गया, एक ही एंगल बना, कौन सा बना, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी, तो कौन सा बन जाएगा, ए सी डी, ए सी डी. और यही मेरे को प्रूफ करना था कि दोनों क्या है, बराबर है, और देखो आ भी गया, तो हेंस प्रूफ क्या कर दिया हमने, प्रूफ कर दिया. ठीक है क्लास, तो होप ये भी आप लोगों के लिए इजी है. तो हमें कैसे करना है, अब मैं मूव कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. ठीक है, 6 वाला भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. तो कैसे करना है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे दिया गया है, ये है और ये ए बी सी डी. क्वेश्चन ने बोला है कि ए बी और ए सी बराबर है और ए सी और ए डी बराबर है. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोले हैं, गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए सी इज इक्वल टू ए डी, दोनों आपस में क्या है, बराबर है. तो आपको ये बताना है कि एंगल सी जो है 90 डिग्री का है, क्या है, एंगल बी सी डी 90 डिग्री का है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है. ठीक है, अब एक बात बताइएगा, आइसोसेलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये दो साइड इक्वल है तो मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे,
उसी प्रकार ये दो साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो मान लो मैं इन दोनों पहले ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा हूँ, ए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया गया है, अगर गिवन है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। ये वाला एंगल सी, तो इसको कैसे लिखोगे, प्रॉपरली लिखते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ए बी सी ए सी बी पहला इक्वेशन, क्यों इक्वल है तो भी लिख देना बाय आइसोसेलस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में जरूर लिखना। अब इन ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, अगर ए डी और ए सी इक्वल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, आइसोसेलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, तो एंगल ए डी ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, क्यों इक्वल है, बाय आइसोसेलस ट्राइंगल प्रॉपर्टी लिख देना। ठीक है, तो अगर ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल इक्वल है, यानी अगर मान लो ये भी एक्स है ये भी एक्स है ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो तीनों का सम कितना होता है हमेशा 180 डिग्री, ये आपको पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर ये प्रॉपर्टी लगाओ तो एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी, है ना, इनके में तो तीन ही एंगल है, ट्रायंगल डी सी बी में ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा। एंगल बी कितना है एक्स, एंगल सी कितना है एक्स प्लस एक्स, और एंगल बी कितना है एक्स 180 डिग्री, ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि कितना आता है 45 डिग्री x आ गया। अब एंगल c की वैल्यू कितनी है 2x, क्यों x प्लस एक्स है ना, x प्लस एक्स कितना होता है 2x होता है, तो 2x यानी 2 इंटू 45 डिग्री यानी 90 डिग्री आ गया, और मुझे यही प्रूफ करना था कि एंगल c कितना है 90 डिग्री यानी राइट एंगल है, तो हेंस प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके क्लास, तो बाकी के जो बचे दो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद से करना है, और अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.3 स्टडी करेंगे, जो कि इजी है, ज्यादा कठिन नहीं है, एंड टिल देन आप लोग फेयर कॉपी कंप्लीट करते चलिए एंड क्वार्टरली एग्जाम की भी अच्छे से तैयारी करते चलिए। टेक केयर।